ओम शांति। मैंने जब अखबार में ये पढ़ा कि पंजाब में 70% युवा वर्ग नशे से ग्रस्त हो गए हैं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये देखकर कि हमारी आबादी पंजाब, जिसकी आबादी लगभग 5 करोड़ के आसपास है, वहाँ की 70% युवा वर्ग नशे से एकदम डूब चुकी है, इसने तो यूँ समझ लीजिए कि सोचने के लिए विवश कर दिया है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और अगर टोटल हम आकलन पूरे देश का करें या पूरी दुनिया का करें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि करीब करीब हमारी 35%, 1/3 आबादी जो युवाओं की है, वो लगभग नशे में पूरी तरह डूब चुकी है। ये एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सारी बातें जो हैं बेहद साधारण हैं, और क्यों साधारण हैं ये मैं आपको बताऊंगा। नशा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें अपने में पूरी तरह गिरफ्त में ले लें। आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप नशे को बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये चीज़ भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। जब आपको ये पता लगेगा कि आप एक परमात्मा की संतान हैं, क्योंकि आप एक आत्मा हो और आपके पिता परमात्मा हैं, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये नशा हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है। और अक्सर होता क्या है, नशे की शुरुआत प्रातः सुबह से शुरू हो जाती जो देर रात तक चलती है। हर नशे का अपना एक अलग अलग टाइम होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नशा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नशा तो नशा होता है, लेकिन ये उतना बड़ा भी नहीं है जिससे पूरा देश चिंतित हो जाए या आप युवा वर्ग उसके लिए परेशान हो जाए। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं नशे छुड़ाने के लिए, तो वो आपसे एक ही चीज़ बोलता है। वो कुछ दवाइयाँ लिख देगा, और क्या होता है, आपसे एक शब्द, एक जुमले के रूप में बोलता है कि आप इस चीज़ को दृढ़ निश्चय होकर के अपनी तरफ से जब तक छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप उतने दृढ़ निश्चय रहे होते तो सबसे पहली चीज़ तो ये होता कि आप नशे की गिरफ्त में जाते ही नहीं हैं। लेकिन आप नशे की गिरफ्त में गए हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी है आप में, और वो कमजोरी ये है कि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप एक शरीरधारी अपने आप को समझते हैं। क्या आपने कभी अपने आप को आत्मिक स्वरूप में लिया है? क्या आप जानते इस चीज़ को कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं उस परमात्मा की संतान हूँ? थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे बम आ जाए, बम गिर जाए, परमाणु बम गिर जाए, तो क्या होगा? आसपास का पूरा हर चीज़ समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो भी एक चीज़ जिंदा रहेगी, और वो है आपकी और हमारी आत्मा, क्योंकि आत्मा अजर अमर होती है, उसे कोई मार नहीं सकता। तो जब आत्मा अजर अमर है और पूरी दुनिया आर्टिफिशियल है, तो हम दो ही चीज़ के बारे में बात करें तो बेहतर है, एक आत्मा और एक परमात्मा जो हमारा वास्तविक पिता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मैं आत्मा, जैसे मैं बी के नरेंद्र हूँ, कौन? मैं अपने लौकिक पिता का नाम बताता हूँ कि मैं इनकी संतान हूँ। ये गलत है।
जो मेरे लौकिक पिता हैं वो मेरे शरीर के पिता हैं, मेरी आत्मा के पिता नहीं हैं। मेरी आत्मा के पिता तो परमात्मा है, और जब मैं उस परमात्मा की संतान हूँ तो क्या परमात्मा की संतान नशे से पराजित हो गई? ये सोचकर भी हंसी आती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल निराश ना हो। आप बड़ी आसानी से इस नशे से पीछा छुड़ा सकते हैं, और इसके लिए आपको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप किसी प्रकार के खर्च कीजिए या आप कोई योग अभ्यास कीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं जैसे बता रहा हूँ आप वैसे ही करते जाइए, तो आप विश्वास रखिए कि सारे नशे आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। जब हम प्रातः सोकर उठते हैं तो अक्सर हम नशे के रूप में, पहला जो मैं अब सही बात बोलने जा रहा हूँ वो ये कि जब हम प्रातः सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सिगरेट का या तंबाकू का या पाउच का, जिसके चलते हमारे शरीर से एक शरीर की हमारे शरीर का एक रिक्वायरमेंट होता है, और जब हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको किसी प्रकार की दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, जब आप सुबह प्रातः उठते हैं तो जब आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है सिगरेट के लिए या तंबाकू के लिए या पराग के जो पाउच होते हैं उनकी जब ज़रूरत पड़ती है, बस आप उस समय किसी प्रकार की कोई बात सोचे बगैर आप उस चीज़ को भूल जाइए। समझ लीजिए कि इस दुनिया में सिगरेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, पाउच नाम की कोई चीज़ नहीं है, तंबाकू नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब आपका, क्योंकि आप किसी चीज़ का सेवन कब करेंगे, सबसे पहले वो आपके माइंड पर अटैक करता है वो चीज़ कि सुबह हो रही है मैं सो के उठाऊँ तो मुझे सिगरेट चाहिए या मुझे तंबाकू चाहिए या मुझे किसी प्रकार की नशे की वो चीज़ चाहिए जिसके चलते मैं फ्रेश हो सकूँ या मेरा सुबह अच्छी तरह से गुजर जाए। आप सोचिए, आप जब उस चीज़ को उस वक्त भूल जाएंगे तब क्या होगा? तो जब प्रातः आप उठते हैं तो आपको सबसे पहले जिस नशे की चीज़ की तलब महसूस होती है आप उसको भूल जाइए। बस आपको वो विचार कि मुझे ये चीज़ लेना है, उस विचार को आप अपने मस्तिष्क में घुसने मत दीजिए, क्योंकि थॉट विचार ही सबसे पहला अटैक होता है। जब आप उस नशे की चीज़ को उस वक्त भूल जाएंगे तो आप विश्वास कीजिए कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उस वक्त जब आपने उस चीज़ को नहीं ग्रहण किया तो उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपकी बॉडी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस आपका बॉडी, आपकी जो बॉडी है वो 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक हल्के नशे में रहेगी और उसके बाद वो सामान्य होता जाएगा। और जैसे ही दोपहर होता है और आप जैसे ही दोपहर होता है तो आप जब दूसरी बार उस चीज़ को खाने की कोशिश करते हैं, जब दूसरी बार आपकी बॉडी इस चीज़ को रिक्वायरमेंट करती है कि मुझे वो चीज़ें प्राप्त हो, तो आप उस चीज़ को उस वक्त भी भूल जाइए। जब इस दुनिया में सिगरेट नाम की चीज़ ही नहीं, तंबाकू नाम की चीज़ ही नहीं, शराब नाम की चीज़ ही नहीं, ड्रग्स नाम की वो चीज़ जिसके बगैर आप रह नहीं सकते वो चीज़ है ही नहीं, हेरोइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप उस वक्त उस चीज़ को भूल जाइए। और जब आपके माइंड में वो चीज़ें प्रवेश नहीं करेगी तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आप उस चीज़ से दूर होते चले जाएंगे, और उसका परिणाम ये निकलेगा कि फिर आपका शरीर सिर्फ थोड़ी देर के लिए तनाव में रहेगा, 10 से 15 मिनट, बाकी आपको कुछ नहीं होगा, ना आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत महसूस होगी ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी।
और जैसे ही आप रात्रि आती या शाम आती है, लोगों का एक टाइम रहता है कि शाम 7 बजे के बाद से उनके माइंड पर वो नशे की जो आदत है वो नॉक करना शुरू कर देती है। और वो जब नॉक करना शुरू करती है तो वो पहला अटैक रहता है। उसके बाद में पूरा समय आपके माइंड में यही घूमता रहता है कि मुझे ये ड्रग्स की चीज़ें चाहिए। अगर आप उस ड्रग्स की चीज़ को नेगलेक्ट कर देते, उस वक्त भूल जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए उस वक्त भी आपको भूलना है तो आपके शरीर को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए आपका शरीर लहराएगा, आधे घंटे के लिए लहराएगा। आप उस वक्त, अगर आप पुरुष हैं, शादीशुदा हैं, तो आप अपने परिवार के बीच में बैठिए उस चीज़ को भूल करके। अगर आप शादीशुदा नहीं है, युवा वर्ग से हैं, तो आप अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ बैठिए और उस बात को अपने माइंड में आने मत दीजिए। देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप पूरी तरह उस दिन, जिस दिन आप ये सब करेंगे, नशे से दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही जब दूसरा दिन आता है तो वो जो प्रभाव रहेगा, पुनः प्रातः सुबह उठते से ही जब आपको नशे की उन आदतों का प्रभाव, तलब महसूस होगी, खास करके सिगरेट, तंबाकू या अन्य कोई भी ड्रग्स की चीज़ों की, उस दिन आपकी तलब आधी हो जाएगी। आप अजमा लीजिए, आप अच्छे से अजमा लीजिए। उस दिन आपको आधी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे दिन भी आप उन चीज़ों को भूल जाइए। जिस वक्त, जिस चीज़ की आपको, जिस नशे की ज़रूरत पड़ रही है, सिर्फ अपने माइंड को 2 मिनट के लिए आप कंट्रोल करिए और उस नशे की चीज़ों को आप भूलते जाइए। दूसरा दिन भी आपका बड़े अच्छे से गुजरेगा। और जब तीसरा दिन शुरू होगा और तीसरे दिन भी जब आप भूलें, तो आप याद कीजिए कि आपको सिर्फ 20% शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ 20% आपको मेहनत करना पड़ेगा। उस 20% के बाद भी, उस 20% की शक्ति के साथ आप तीसरा दिन भी गुजार देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उस बात को भूलना है। और जब चौथा दिन आएगा तो सिर्फ 5% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके अगले दिन आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, नशे की सारी आदतें आपकी खुद ब खुद छूट जाएगी। ना आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, ना आपको किसी नशा मुक्ति केंद्र का सहारा लेने की ज़रूरत है। आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये चीज़ अजमा लीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अजमाया है। और आपको मैं बता दूं कि मैंने 40 साल पुरानी आदतों को ख़त्म किया। तो क्यों 40 साल पुरानी आदतों को ख़त्म कर दिया? क्योंकि मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई और मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि मैं नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। जिसका बाप, जिसके पिता, जिसका दोस्त परमात्मा हो, उस आत्मा को कोई नशे की चीज़ अपने गिरफ्त में ले ले, ये सोचना ही मूर्खता से अधिक कुछ नहीं है। सिर्फ 5 दिन का खेल है, 5 दिन का। आप 5 दिन में पूरी तरह नशे से आप विमुक्त हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन होता क्या है, क्या होता है, हम अपने आप को एक शरीरधारी समझते हैं। सबसे पहले आपको इस बात को भूलना है कि मैं, आप मुझे एक बात बताइए, आपने देखा होगा हमारे जो जैन समाज के जो बड़े बड़े जो जैन ऋषि मुनि होते हैं, वो कैसे रहते हैं? निवस्त्र रहते हैं। क्यों निवस्त्र रहते हैं? क्योंकि वो इतनी बड़ी बात को भूल जाते हैं कि मैं एक शरीरधारी हूँ, क्योंकि शरीर तो मिट्टी होता है। वो बड़ी आसानी से इस चीज़ को भूल जाते हैं कि मैं एक शरीरधारी हूँ। वो हमेशा अपने आप को एक आत्मिक स्वरूप में समझते हैं। जब वो इतनी बड़ी चीज़ भूल जाते हैं कि मैं एक शरीरधारी हूँ, तो क्या आप एक छोटी से नशे की आदत को नहीं, आप एक नशे की चीज़ को नहीं भूल सकते, वो भी आधे घंटे के लिए? वो तो अपना पूरा जीवन इस चीज़ के लिए भूल जाते हैं कि मैं एक शरीरधारी हूँ। तो जब वो
पूरी तरह अपने आप को भूल करके निवस्त्र स्थिति में चले जाते हैं, तो आपको तो एक मामूली सी चीज़ भूलनी है कि ये ड्रग्स के ये नाम है, ड्रग्स के ये सेवन मुझे इस वक्त करना है, आपको ये सब चीज़ भूल जाना है। और जैसे ही जब आप इन सब चीज़ों को भूलते हैं तो नशा खुद ब खुद आपको भूल करके वो आपसे बहुत दूर चला जाता है। आप इसको अजमा लीजिए, और अजमाने के बाद आप मुझे बताइए, और अगर ये बात गलत निकले तो आप जो चाहे मुझे वो सजा दे सकते हैं। क्योंकि आप नहीं हो, आप एक आत्मा हो और आप उस परमात्मा की संतान हो। कम से कम परमात्मा को हंसने का मौका मत दीजिए कि मेरा पुत्र होकर के इतने कमज़ोर से चीज के लिए एक नशे से के आगे हार मान बैठा है। उनको बल्कि आप पर फख्र करने का मौका दीजिए कि आप एक आत्मा हैं और उस परमात्मा की संतान है, और आत्मा को किसी नशे और ड्रग्स की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, क्योंकि ये मेरा खुद का जमाया हुआ चीज़ है। और जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हम आत्मा हैं, तो फिर दुनिया की कोई भी बुरी आदतें, गंदी आदतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जो नशे की आदतें हैं जिनसे हमारा युवा वर्ग ग्रस्त होते जा रहा है, उनको अपने शरीर के लिए नशे की तलब महसूस होती, आत्मा के लिए नहीं होती। तो आप जब आत्मिक स्थिति में आएंगे तो आपकी सारी बीमारियां, सारे रिक्वायरमेंट, सारे नशे की आदतें वे खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी, और आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, अगर करना चाहें, जो हमारी संस्था है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, आप अगर आपके घर के आसपास कहीं है तो आप उस सेंटर को अटेंड कीजिए, और वहाँ पे जाकर के आप अपने आप को आत्मिक स्वरूप में कैसे लाएं, और अच्छे ढंग से आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। और वहाँ जो हमारी बहनें रहती हैं वो आपको योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आपको वो चीज़ बता भी सकती हैं। लेकिन अगर आप ना भी जाना चाहें तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप ये सारी चीज़ों को उस वक्त विशेष पर भूल जाइए, जब आप अपने माइंड से, अपने माइंड में जब आप उस चीज़ को उतार देंगे उस टाइम विशेष पर, तो वो सारी नशे की चीज़ें जिस वक्त आप उनका सेवन करते थे, वो सारी की सारी नशे की चीज़ें आपसे खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। आप इसको अच्छे से आजमा लीजिए। ओम शांति।